मैं बड़े सर आप लोगों के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेके आया हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को प्रत्येक क्लास में जिस तरह से मैं कहता हूं, लकी कम्पिटेटिव स्कूल प्रेमनगर नया टोला मिल की पूर्णिया शिवम झा लकी कम्पिटेटिव स्कूल के नाम से यूट्यूब बना हुआ है, जिसे आप लोग सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन जैसे ही हम वीडियो डालें तो आप तक वह पहुंच सके और आप उसको लाइक कमेंट्स ठीक है उसको कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं अब परिचय के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बता रहा हूं। तो किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे और आ, दीर्घई, ए, यानी कहने का मतलब हुआ ता था, ती थी, ते थे, यह लिखा हुआ आवे और आ का साउंड आवे, दीर्घई का साउंड आए, ए का साउंड आए। जैसे वे पटना चले गए, गए लास्ट में ए था, वह आई दीर्घई की मात्रा, वह खाया आ का मात्रा, ये सब मात्रा यानी स्वर, ये सब स्वर जो आते हैं तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। और उसका रूल्स, पूरा रूल्स यहां पे दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप। जी हां, पहले हम लोग वर्ब का पहला रूप पढ़ा करते थे, अब हमें एक नया चीज वर्ब का दूसरा रूप आया। ठीक है, मैं लिख दूंगा, मैं बता दूंगा आप लोगों को, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी वर्ब टू के लिए। अब बाद बाकी रेस्ट, निगेटिव में चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस रेस्ट, ये याद रखिएगा, जब हम प्रेजेंट में बनाते थे तो नॉट के साथ डू डज आता था, लेकिन यहां डू डज नहीं आके उसके बदले में क्या आता है, डिड, डिड आता है। और जैसे ही हमारा डिड लगता है, ठीक है, तो याद रखिएगा वह वर्ब का पहला रूप हो जाता है, वर्ब का दूसरा रूप नहीं लगता है। सिर्फ वर्ब का पहला रूप, वर्ब का दूसरा रूप इन अफर्मेटिव पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में ही वर्ब का दूसरा रूप लगता है। बाद बाकी सबों में जब डिड आता है तो अपने साथ वर्ब का पहला रूप लेके ही आता है, वर्ब का दूसरा रूप नहीं लगता है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस रेस्ट, इंट्रोगेटिव डिड आगे कर दिए जाते हैं और बाद बाकी जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ही सेम रेस्ट डाल देते हैं। इंट्रोगेटिव में भी वही हाल, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस रेस्ट प्लस इंट्रोगेटिव साइन प्रश्नवाचक। तो यह याद रखिएगा, हम इसी को यहां पे बना के समझा रहे हैं। वह स्कूल गया, गया पास्ट टेंस है, आ का आ रहा है साउंड, किसका साउंड आ रहा है, आ का। मैं स्कूल गया, आई, अब तो जाना का इंग्लिश गो होता है, वर्ब का दूसरा रूप गो, वेंट, गॉन। तो दूसरा रूप क्या हुआ, वेंट, आई वेंट टू स्कूल। वह मेरे पास आई, वह मेरे पास आई, तो वह का क्या होगा, सी, लड़की है, सी। आना का क्या होता है, कम, कम, कैम, दूसरा रूप। मैंने यहां क्या डाला, केम टू मी, मेरे पास। वे पटना गए, किसका साउंड आ रहा है, एक ही मात्रा का, एक का साउंड आ रहा है, गए। तो यहां हम लोगों ने फिर उसी तरह से दे वेंट टू पटना, तुमने नहीं पढ़ा था, पढ़ा था आथाया, तो इसमें मैंने क्या किया, यू डिड नॉट रीड, नॉट डिड जैसे ही लगा आपका रीड पहला रूप में ही रहेगा। सरकार ने गरीबों की नहीं मदद की, सरकार अभी गरीबों की नहीं मदद की, तो उसका सेंटेंस द गवर्नमेंट डिड नॉट हेल्प द पुअर, गरीबों की, धन्यवाद। अब हम इसको तो बताया आपको, अब प्रैक्टिस के लिए मैं देता हूं वर्क, प्रैक्टिस वर्क आप लोगों के सामने ये स्क्रीन पे रहा। दशरथ अयोध्या में राज करते थे, करते थे, ते थे आया, मैंने यहां बताया था, ते थे आया, यहां साउंड मैंने बताया दोनों। अब हम लोग घर में राज करते थे, हम लोग घर में राज करते थे, पहले हम लोग बहुत घर में राज करते थे, जिस तरह से आप लोग राज करते हो अभी मम्मी पापा को तंग करके, ठीक है। हम लोग घर में राज करते थे, वह मुझसे, हम लोग घर में राज करते थे,
हम लोग पहले के समय में घर में राज करते थे, वह मुझसे नफरत नहीं करती थी। लड़के विद्यालय नहीं गए, क्या तुम पढ़ना चाहता था? क्या आपने कोशिश की? मैंने पढ़ाने की कोशिश की। ये सारे 7 सेंटेंसेस आप लोग बना के लाओगे और याद रखोगे, राज करते थे तक का, राज करते थे तक का यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड्स, भर का दूसरा रूप करके, नफरत करती इसका भी दूसरा रूप करके लिखा हुआ है, कोशिश का भी इंग्लिश लिखा हुआ है और चाहना का भी इंग्लिश लिखा हुआ है, जिसे आप सही ढंग से बना सकते हो और बनाकर आप लोग सबमिट करोगे कमेंट्स में जाके, आप सबमिट करोगे कमेंट्स में जाके, मैं चेक कर दूंगा और आपको मैं बता दूंगा कि आपने कितना सही और कितना गलत किया। ऐसे आप लोग बहुत तेज हो, हमेशा इसी तरह से बने रहे हमारे साथ। मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को खत्म किया, लेकिन जाने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि शिवम झा लकी कम्युनिटी स्कूल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।